रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? होप यू आर डूइंग वेल। कोर्स जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली डैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। आज के लेक्चर में हम चैप्टर वन भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे लूँ बेसिकली हम लोग किस तरह से इस कोर्स को ले कर चलेंगे। अब देखें, सबसे पहली बात, बुक की सॉफ्ट कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की बुक है, 17th एडिशन है, फिलिप कॉटलर गैरी आर्मस्ट्रांग की। अगर आपके पास लेटर एडिशन है आप उससे भी पढ़ सकते हो, देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। पुराना एडिशन है उससे भी पढ़ सकते हो। देखो, कॉन्सेप्ट सारे सेम, एग्जाम्पल्स चेंज होती हैं, कोई नई चीज़ें आ जाएँ तो आ जाएँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट बेसिक हैं, जो हमारा फोकस होंगे वो तकरीबन सेम ही रहेंगे। तो ये बुक्स की आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, और इसी बुक को हम थ्रू आउट कोर्स, वेदर इट इज़ ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस, थ्रू आउट कोर्स इस बुक को हम फॉलो करेंगे। क्लियर? अब दूसरा हम बात करते हैं इसके थोड़े कंटेंट्स की ना, कि हमारा बेसिकली फोकस कहाँ पे होगा। अब देखो, इसके कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दे आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चैप्टर्स जो कह लो हैं। फर्स्ट चैप्टर मार्केटिंग क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू एंगेजमेंट, यानी मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। देखो, पार्ट वन में बेसिकली क्या है, डिफाइनिंग मार्केटिंग, मार्केटिंग प्रोसेस। इन दो चैप्टर्स में हम मार्केटिंग को पूरी तरह समझ जाएंगे और मार्केटिंग प्रोसेस को पूरी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कंज्यूमर वैल्यू, इसमें हम देखेंगे एनालाइजिंग मार्केट एनवायरनमेंट को एनालाइज कैसे करना है, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, फिर कंज्यूमर मार्केटिंग बायर बिहेवियर क्या चीज़ होती है, बिजनेस मार्केट बिजनेस बायर बिहेवियर, फिर इसी तरह डिज़ाइनिंग कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। तो इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे आगे, और लास्ट पे एक्सटेंडेड मार्केटिंग है ये पोर्शन। अब देखो, इसमें से ऑफकोर्स हम लोग सारे कम्प्लीट चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते, जो तीनों पार्ट हैं, पहले तीन पार्ट ही हैं मेरे फोकस के बेसिकली। फोर्थ पार्ट आपको नेक्स्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट या उसमें पढ़ाया जाएगा। तो इसमें जो मेन फोकस के हैं, जो हमारे कंटेंट से रिलेटेड हैं, वो हम चीज़ें स्टडी करेंगे। तो मैं आपको वो साथ साथ पता लगता जाएगा आपको भी, जो हम चीज़ें पढ़ रहे होंगे। अब देखो, पॉइंट आता है सबसे पहले जी बेसिकली के मार्केटिंग है क्या। अब आप में से कई लोगों ने मतलब ये कॉन्सेप्ट्स पहले शायद सुने भी हों, इवन के दो के आपकी डेली रूटीन में ना, डेली रूटीन में मार्केटिंग शामिल है। अब देखो, अमूमन हम लोग क्या समझते हैं मार्केटिंग क्या है, हम लोग ये समझते हैं कि जी मार्केटिंग क्या है, चीज़ को सेल करना। मार्केटिंग क्या है, लोगों के घरों में जाकर सेल करना। अमूमन किस चीज़ से आप पूछो वो मार्केटिंग क्या कहते हैं, सेल करने को कहते हैं। अब मैं पहली चीज़ आप बता दूं, ये चीज़ अपने दिमाग से रखो, निकाल दो। मार्केटिंग इज़ डिफरेंट, सेलिंग इज़ डिफरेंट। सेलिंग इज़ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग एक ब्रॉडर फील्ड है, और आप लोग इस चीज़ को समझोगे कि आप डेली रूटीन में इस प्रोसेस से गुजरते हो, आप डेली रूटीन में इस प्रोसेस से गुजर रहे हो और गुजरते रहोगे भी फ्यूचर में भी। मकसद क्या है हमारा सब्जेक्ट को पढ़ने का, ताकि कल को हम अपना बिजनेस करें या जॉब कहीं पे भी कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ नहीं है कि हमने क्या कहते हैं ब्लैंक जाना है। वी शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज जो कि हमने स्टडी करना है, कि इस सब्जेक्ट में देखना है। अब देखो, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या हैं, व्हाट इज़ मार्केटिंग, डिफाइनिंग मार्केटिंग आउटलाइन स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस है, फिर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स है, फिर डिजाइनिंग ए कस्टमर वैल्यू ड्राइविंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, फिर मैनेजिंग ए कस्टमर रिलेशन एंड कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू है, फिर द चेंजिंग मार्केटिंग लैंडस्केप। अब ये बेसिक हमारे पास कह लो के ऑब्जेक्टिव हैं जो इस बेसिकली चैप्टर के हैं जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब देखो, अब काश हम लोग थोड़ा फिज़िकल मोड में होते
तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता था। खैर, आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि फीडबैक भी बच्चों का लेना वो बड़ा अच्छा होता है कि बंदा आपके गो थ्रू करे कि आप लोग क्या समझते हो मार्केटिंग क्या है। अब देखो, हमारे पास जो है, एक मैं ज़रा सेटिंग कर लूँ इसकी, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए आपको। देखो, अब हम बात करते हैं बेसिकली व्हाट इज़ मार्केटिंग। अमूमन देर आर सम सॉर्ट ऑफ कह लो कि मिस कम्युनिकेशन है, मिस स्टेटमेंट्स है हमारे नज़र में कि जी इश्तहार देना मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग है, सेलिंग मार्केटिंग है, क्या कहते हैं, लोगों को कन्विंस करना मार्केटिंग है, लोगों से पैसे निकलवाना मार्केटिंग है। दे आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट जो कि कह लो कि एम्बिगुस स्टेटमेंट्स हैं। ये जितनी बातें मैंने बोली हैं ना अभी, दे ऑल आर पार्ट ऑफ मार्केटिंग, नॉट मार्केटिंग। अब देखो, मार्केटिंग इज़ मोर देन एनी अदर बिजनेस फंक्शन, डील्स विद कस्टमर। ऑल दो वी विल सून एक्सप्लोर मोर डिटेल्स डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। अब सिंपली आपका तो मार्केट इज एंगेजिंग कस्टमर एंड मैनेजिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। आप जब सिंपल फॉर्म में बात करते हैं कि मार्केटिंग क्या है, उसमें देखो ये चीज़ वो कह रहा है कि मार्केटिंग इज एंगेजिंग कस्टमर एंड मैनेजिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप। अब एंगेजिंग, एंगेज का क्या बेसिकली मतलब है कि आपने कस्टमर को एंगेज करना है, आपने कस्टमर को बिजी करना है, आपने उसको अपने तक अट्रैक्ट करना है, और ना सिर्फ अट्रैक्ट करना है बल्कि उसके साथ एक रिलेशन रखना है। अब वो रिलेशन ये नहीं है कि नॉर्मल रिलेशन, वो क्या है, प्रॉफिटेबल रिलेशन रखना है, और रखने के साथ उस रिलेशन को मैनेज भी करना है। क्लियर हुई है बात कि मार्केटिंग इज अगेंजिंग कस्टमर एंड मैनेजिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप। द टू फोल्ड गोल ऑफ मार्केटिंग इज टू अट्रैक्ट कस्टमर बाय प्रोमिसिंग सुपीरियर वैल्यू एंड टू कीप एंड ग्रो करंट कस्टमर बाय डिलीवरिंग वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। अब देखो, यहाँ पे दो चीज़ों की बात आ रही है, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। आईफोन की एग्जांपल लें, iPhone 4 भी है, 5 भी है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब देखो, 13 आ गया, 12 है। अब एक मोबाइल आप ले लेते हो, उसमें सारे फीचर्स हैं, अब मोबाइल चेंज क्यों करते हो? सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे। आप मतलब देखो ना, सोचो, आपने मोबाइल लिया है, देखो आपने मोबाइल ले लिया, उसमें कैमरा बेहतरीन, मेमोरी बेहतरीन, बैटरी बेहतरीन, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। जितने मोबाइल आजकल आ रहे हैं सब में यही चीज़ें आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं बाद मोबाइल बेचते हैं, नया खरीदते हैं। कई लोग महीने बाद चेंज करते हैं, कि 2 महीने बाद करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, थ्रू मार्केटिंग अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्ट किस बेस पे करती हैं, बाय प्रॉमिसिंग सुपीरियर सर्विस, सुपीरियर वैल्यू। अब देखो, मार्केट में मोबाइल नॉर्मल भी अवेलेबल हैं, कंपनीज के बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। अब हमारे लिए, हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा वो चीज़ परचेज करते हैं विच क्रिएट्स वैल्यू, जो हमें बेनिफिट दे, जो हमें फ़ायदा दे, एंड टू कीप एंड ग्रो। एक तो हमने क्या, न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करना है बाय गिविंग सुपीरियर वैल्यू एंड टू कीप एंड ग्रो करंट कस्टमर, यानी उन कस्टमर को रिटेन भी करना है और मजीद कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी करना है बाय डिलीवरिंग वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। अब कई लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि मार्केटिंग क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। अब कस्टमर तब ही सेटिस्फाई होगा, बताएं, जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी।
समझ लगी बात की लॉजिक को, अंडरस्टैंडिंग आई है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे हम ना कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, नाइकी लीव्स इट्स कंपेटिटर इन द डस्ट बाय डिलीवरिंग ऑन इट्स प्रॉमिस टू इंस्पायर एंड हेल्प एवरीडे एथलीट टू जस्ट डू इट। अब उन्होंने ये क्या है, जस्ट डू इट का एक स्लोगन बनाया और एथलीट्स को टारगेट किया और मार्केट अपनी कैप्चर कर ली। Amazon dominates the online marketplace by creating a world-class online buying experience that help customer to find and discover anything they might want to buy online. अब Amazon है, eBay है, इन्होंने क्या किया, जैसे पाकिस्तान में पाक व्हील्स है, OLX है, और कोई वेबसाइट दराज है, इन्होंने क्या किया बेसिकली कि एक वैल्यू क्रिएशन की। वैल्यू क्रिएशन कैसे की, देखो हमारे पास टाइम नहीं है, हम बाहर जाएं शॉपिंग करने जाएं, मोबाइल हमारे पास होता है, उधर ही सर्च किया, देखा चीज़ को, उसके रिव्यूज़ पढ़े और उसको मंगवा लिया घर में। अब क्या किया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया जिसका बेनिफिट है। देखो हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ, जब भी आप बिज़नेस करते हो और वो बिज़नेस जो है ना लोगों की ज़रूरत यानी लोगों के नीड के साथ ना रिलेट करे, किस नीड को फुलफ़िल करे, तो वो बिज़नेस कामयाब होता है। कोई भी बिज़नेस उठा लो ना जो लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत के लिए हर बंदा पैसे खर्च करता है। अब दो चीज़ें होती है, ज़रूरत होती है एक डिज़ायर, एक नीड है, एक वॉन्ट है। पहली कोशिश नीड, नीड हर बंदा पूरी करता है, वांट जो होती है ना ख्वाहिश, वही करता है जो उसको अफोर्ड कर सकता है। अब देखो नीड और वांट में डिफरेंस क्या है, मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए जिसका कैमरा ठीक हो, मेमोरी अच्छी हो, बैटरी टाइम अच्छा हो, इम्प्रेसिव हो। अब मैं वीवो का भी ले सकता हूँ, मैं ओप्पो का भी ले सकता हूँ, मैं हुआवे का भी ले सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है 10,000 का भी ले सकता हूँ, 15,000 में मिल जाएगा, न्यू भी ले सकता हूँ, यूज़ भी ले सकता हूँ। मैंने क्या करनी है, अपनी ज़रूरत को पूरा करना है। अब ज़रूरत मेरी 10,000 में फुलफ़िल हो सकती है, 15 में भी हो सकती है, लेकिन अगर मैंने अपनी वांट है ना, वांट मेरी क्या होगी कि मैंने तो आईफोन ही लेना है, मैंने तो नोट 10 लेना है, आई डोंट नो लेटेस्ट मॉडल कौन सा है। यानी गाड़ी है, जैसे गाड़ी आपकी सुजुकी मेहरान भी आपकी नीड फुलफ़िल कर देगी, लेकिन मैंने तो मर्सिडीज़ लेनी है, मैंने BMW लेनी है। ये वांट्स हैं, हमारी ख्वाहिशें होती हैं। तो बिज़नेस जो इन दो चीज़ों को टारगेट करते हैं मोस्टली नीड को, डेड आर सक्सेसफुल बिजनेस। अब देखो फेसबुक हैज़ अट्रैक्टेड मोर देन 1.5 बिलियन एक्टिव वेब मोबाइल यूजर्स वर्ल्ड वाइड बाय हेल्पिंग देम टू कनेक्ट एंड शेयर विद पीपल इन देयर लाइफ्स। अब उन्होंने ये थीम लगाया और इस थीम पे उन्होंने अपनी सारी मार्केटिंग की। उसके बाद आप कोको कोला की बात करते हो कि कोको कोला हैज़ अर्नड एन इम्प्रेसिव 49% ग्लोबल शेयर्स ऑफ द कार्बोनेटेड बेवरेज मार्केट, मोर देन ट्वाइस पेप्सी शेयर बाय फुलफिलिंग इट्स फीचर टेस्ट द फीलिंग। उन्होंने क्या किया, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ की, विच विद प्रोडक्ट्स डेट प्रोवाइड अ सिंपल प्लेजेंट डेट मेक एवरी डे मोमेंट मोर स्पेशल। तो देखो साउंड मार्केटिंग इज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज फॉर प्रॉफिट फर्म्स सच एज गूगल, टारगेट, प्रोग्राम बैंक, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोको कोला, माइक्रोसॉफ्ट यूज मार्केटिंग, बट सो डू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज कॉलेजेस, हॉस्पिटल, म्यूजियम, सैनोमियन, ऑर्केस्ट्रास एंड इवन चर्चिस। देखो आपको ईदी वालों का भी ऐड आता है, शौकत खाना वालों का ऐड आता है, जो नॉन प्रॉफिट NGOs हैं वो भी अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं, फिर उसके बाद जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी करते हैं। देखो फेसबुक या आप कह लो कि जो गूगल है, ये सारे जितने भी हैं स्टिल इतना अच्छा प्रॉफिट सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्टिल दे आर कॉन्टीन्यूसली मार्केटिंग। मकसद क्या है, दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। अब देखो मार्केटिंग के बारे में आप लोगों को बहुत चीज़ें पता हैं और ये चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं,
लेकिन क्या होता है कि देखो यू सी इट इन अबंडेंस ऑफ प्रोडक्ट्स है नियर बाय शॉपिंग मॉल एंड द एड्स एट फिल ऑन स्क्रीन स्पाइस अप योर मैगजीन और स्टफ योर मेल बॉक्स में रिसेंट ईयर मार्केटर्स हैव असेंबल्ड अ होस्ट ऑफ न्यू मार्केटिंग अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम इमेजिनेटिव वेबसाइट एंड स्मार्टफोन ऐप्स टू ब्लॉग्स ऑनलाइन वीडियोज एंड सोशल मीडिया। पहले लोगों के पास देखो देर आर टू, अब मार्केटिंग की भी दो ब्रांचेज हैं, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है एक डिजिटल मार्केटिंग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपके टीवी आ गए, आपका रेडियो आ गया, आपके बिलबोर्ड्स आ गए, आपके न्यूज़पेपर आ गए। डिजिटल मार्केटिंग में आपकी वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, एप्लीकेशन है। यानी डिजिटल मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जिसमें आप डिजिटल डिवाइस को यूज़ करते हुए मार्केट कर रहे हो, उसको आप क्या कहते हो, डिजिटल मार्केटिंग कहते हो। तो ये चीज़ें आपके लाइफ में चल रही हैं, ऑन एंड ऑफ चल रही हैं। अब देखो डेफिनेशन क्या है जी मार्केटिंग की, द प्रोसेस बाय विच कंपनीज एंगेज कस्टमर्स एक मिनट, पता नहीं मेरी आवाज़ भी अभी रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, खैर क्योंकि मेरा सिस्टम जो है ना हैंग कर गया है। हाँ अब होपफुली आ रही होगी। अच्छा, द प्रोसेस बाय विच कंपनीज एंगेज कस्टमर्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशन क्रिएट कस्टमर वैल्यू इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। अब देखो बात क्या हो रही है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू की। अब हम लोग क्या कहते हैं, हमने कोई चीज़ मार्केट से परचेज़ की है, हमने क्यों ली है, क्योंकि वो चीज़ हमें वैल्यू देगी, हमें फ़ायदा देगी, बेनिफिट देगी। इन रिटर्न हमने क्या दिया, एक उसकी वैल्यू पे की है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। अब देखो मार्केटिंग का काम ना खाली सेल करना है, ना एडवर्टीजमेंट करना है, ना पैसे लेना है लोगों से। मार्केटिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अब इसमें सबसे पहले कहता है कंपनीज एंगेज कस्टमर। एंगेज का क्या होता है, मकसद कहते हैं कॉल एंगेज मिल रही है, बिजी मिल रही है, यानी कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो कस्टमर आके देखे आपका प्रोडक्ट है क्या, आपके बारे में पढ़े, लोगों से डिस्कस करे, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन कस्टमर रिलेशनशिप। सेकेंड काम क्या है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने हैं। फिर क्या है, क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू इन ऑर्डर टू कस्टमर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न, वैल्यू क्रिएशन करना। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब तक आप वैल्यू क्रिएट नहीं ना करोगे अब बाकी काम भी नहीं कर सकते, बाकी काम आपके फारग हैं, ख़त्म हैं। अब देखो टुडे मार्केटिंग मस्ट बी अंडरस्टूड नॉट इन द ओल्ड सेंस ऑफ मेकिंग अ सेल टेलिंग एंड सेलिंग बट इन द न्यू सेंस ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड। कि हमारा मेजर फोकस किस पर होना चाहिए, कि हमने कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करना है। अब अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गुरु पीटर डकर, इसने कहा था द एम ऑफ मार्केटिंग इज़ टू मेक सेलिंग अननेसेसरी। सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट आर ओनली पार्ट ऑफ लार्ज मार्केटिंग मिक्स, अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट वर्क टूगेदर टू एंगेज कस्टमर, सेटिस्फाई कस्टमर needs and builds customer relationship। अब देखो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, द एम ऑफ मार्केटिंग इज़ टू मेक सेलिंग अननेसेसरी। कि जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है ना, उसको भी आपने सेल करना है, डैट इज़ मार्केटिंग। कहता मेन ऑब्जेक्टिव आपका ये होना चाहिए। अब वो ये उसका कहने का मतलब, ज़रूरत वाली चीज़ तो लोगों ने लेनी है, उसको मार्केट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मार्केटिंग का मज़ा तब है कि आप अननेसेसरी सेल को भी सेल कर रहे हो, जो भी अननेसेसरी प्रोडक्ट है उसको भी सेल कर रहे हो। क्लियर हुई है बात, होपफुली हो जानी चाहिए, नहीं हुई तो यू आर मोस्ट वेल मोर देन वेलकम टू आस्क क्वेश्चन। फिगर 1.5 प्रेजेंट अ सिंपल 5-स्टेप मॉडल ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू। अब देखो सबसे पहले चीज़ क्या है, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस कस्टमर नीड्स एंड वॉन्ट्स। फिर क्या, डिज़ाइनिंग अ कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान दैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू। एंगेज कस्टमर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड
क्रिएट कस्टमर वैल्यू, कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर टू क्रिएट प्रॉफिट्स एंड कस्टमर इक्विटी। अब देखो यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है कि इन द फर्स्ट फोर स्टेप कंपनीज वर्क टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर कस्टमर वैल्यू, क्रिएट कस्टमर वैल्यू, बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशन। इन द फाइनल स्टेप कंपनीज रीप द रिवॉर्ड ऑफ क्रिएटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। यानी पहले काम ये जो कर रही है कंपनी, बेसिकली मकसद इसका क्या है कि आप एक सुपीरियर वैल्यू क्रिएट कर सकें, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बना सकें, और इन सब का रिजल्ट ये पांचवें स्टेप में क्या मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, जो आप प्रॉफिट अर्न करते हो। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड है, मार्केटिंग प्रोसेस की ये पहला स्टेप है। एज अ फर्स्ट स्टेप मार्केटर्स नीड टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड एंड वॉन्ट्स। अब सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है इसमें मार्केट प्लेस और कस्टमर नीड के अंडरस्टैंडिंग में, कि हमने जो है ना मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है, होपफुली कोई इशू है क्योंकि काफ़ी लोड पड़ा हुआ है इस पर। अब देखो नीड क्या होता है, स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीविएशन। देखो हर बंदे को ज़रूरत है किसी ना किसी चीज़ की। सॉरी चीज़ें ज़रा मिक्सअप हो गई हैं, लेट मी अब देखो नीड क्या है, बेसिकली स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन, यानी एक चीज़ की आपको ज़रूरत है। देखो जब आपको भूख लगती है आपने कुछ ना कुछ तो खाना है, खाए बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। फिर वॉन्ट्स हैं कि द फॉर्म ह्यूमन नीड्स टेक एज दे आर शेड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। देखो हमने खाना खाना है, खाना खाने के लिए लेट्स सपोज मेरे पास 10 रुपए हैं तो मैं 10 रुपए के हिसाब से चीज़ खाऊंगा, मेरे पास 100 रुपए तो मैं 100 रुपए के हिसाब से चीज़ खाऊंगा, मेरे पास 10,000 है तो मैं उसके हिसाब से चीज़ खाऊंगा। यानी क्या कि ये आपने एक ज़रूरत को अपनी ख्वाहिश में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज़ यू कैन अफोर्ड, आपका कल्चर ऐसा, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आपके पास अफोर्डेबिलिटी है। अब उसके बाद देखो डिमांड्स, जो हमारी वांट्स होती हैं ना वो किस पे डिपेंड करती हैं, जो हमारी बेसिकली बाइंग पावर है कि हम चीज़ परचेज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे तीन मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कंपनीज जो है ना इनको टारगेट करती हैं। कल को हमने भी क्या करना है, इसी चीज़ को टारगेट करते हुए अपनी चीज़ों को सेल करना है, मार्केट करना है। अब फॉर एग्जांपल देखें, कंपनीज गो टू ग्रेट लेंथ टू लर्न अबाउट अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स वांट एंड डिमांड, दे कंडक्ट कंज्यूमर सर्वे, एनालाइज माउंटेन्स ऑफ कस्टमर डाटा एंड ऑब्जर्व कस्टमर एज द शॉप एंड इंटरेक्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन पीपल ऑल द लेवल ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट स्टे क्लोज टू द कस्टमर। अब देखो काम क्या है, बेसिकली मार्केट करना चीज़ों को। अब उस देखो कस्टमर को समझना को आसान चीज़ नहीं होती कि ये चीज़ लेगा कि नहीं लेगा। देखो फॉर एग्जांपल लेट सपोज आप लोग कहते हो कि जी आपने एक यहाँ पे बहुत एक लेवल का कैफ़े बनाना है। अब कैफ़े बनाने के लिए आपकी कस्टमर के पास मिनिमम भी 1,000 रुपीज़ की स्पेंडिंग पावर होनी चाहिए। अब वो 1,000 रुपीज़ की स्पेंडिंग पावर आप किसी गांव में जा कर नहीं बना सकते, वहाँ पे लोग शायद ना इतना एक्सपेंस कर सके, कर सकने वाले हो तो थोड़े होंगे। आप क्या करते हो, शहर में जाते हो। देखो एक और आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, तो आपने अक्सर देखा होगा स्कूल वगैरह में, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर जब छुट्टी वगैरह होती है, खास होकर गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो सामने कोई रेडी वाला आ जाता है, कोई मतलब डिफरेंट कुछ शरबत वाला आ गया है, डिफरेंट लोग आ जाते हैं, कोई नान टिक्की वाला आ जाता है,
क्यों आते हैं वहाँ पे? क्योंकि उसे पता है यहाँ पे कस्टमर की नीड है, उसने लेने हैं आपसे। लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कहाँ हमारा प्रोडक्ट सेल होना है। खैर वो आगे एक डिटेल एनालिसिस होते हैं। यहाँ की हद तक ये समझें कि आपने क्या, बेसिकली कि आपने इन तीन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि कस्टमर की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है और डिमांड उनकी क्या है। अब देखो फॉर एग्जांपल, ये एक स्टेइंग क्लोज टू कस्टमर के एग्जांपल है कि एनर्जेटिक टारगेट सीईओ ब्रायन कॉर्नल मेक्स रेगुलर अनअनाउंस विजिट टू टारगेट स्टोर रिकमेंड बाय लोकल मॉम्स एंड लॉयल टारगेट शॉपर्स। यानी इसने क्या किया हुआ है कि उनके जो कस्टमर के हैं बेसिकली लोग मदर्स हैं, बच्चों का शॉप है ये, तो वो क्या करता है कि मदर्स के साथ और जो उनके लॉयल शॉपर्स हैं जो कॉन्टीन्यूसली शॉपिंग करते हैं उनसे भी इन कॉन्टेक्ट रहते हैं और विज़िट करते हैं ताकि देखें कि किस किस हद तक जाके ये लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब देखो उसने क्या कहा था, बीइंग क्लोज टू कस्टमर इज़ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट शेज माइकल, लॉट्स टू रन व्हाट दे वैल्यू व्हाट दे अप्रिशिएट। यानी जब आप कस्टमर के पास साथ रहते हो, उसके साथ इन कॉन्टैक्ट रहते हो, तो आपको पता लगता है कि आपने क्या चीज़ें, किन चीज़ों को लर्न करना है, किन चीज़ों को वैल्यू देनी है। क्लियर है? अगली चीज़ हमारे पास आती है देखो, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर में और मार्केट प्लेस में। पहले तो हमारे पास नीड वॉन्ट डिमांड्स आ गई। अगली चीज़ हमारी आती है मार्केटिंग ऑफरिंग, मार्केट ऑफरिंग प्रोडक्ट सर्विस एक्सपीरियंस। अब देखो सम कम्बिनेशन प्रोडक्ट सर्विस इन फॉर और एक्सपीरियंस ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ नीड और वॉन्ट। देखो आपने देख लिया मार्केट की ज़रूरत क्या है, उनकी वॉन्ट्स क्या हैं, उनके क्या कहते हो आप, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी डिमांड कितनी है, यानी कितना वो खर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, मार्केटिंग ऑफरिंग की तरफ जाते हो। यानी आप देखते हो कि आपके पास क्या है मार्केट में ऑफर करने के लिए, प्रोडक्ट है, सर्विस है, एक्सपीरियंस है, व्हाट डू यू हैव। अब देखो मार्केटिंग ऑफरिंग आर नॉट लिमिटेड टू फिजिकल प्रोडक्ट्स, दे ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज एक्टिविटीज़ और बेनिफिट्स ऑफर्ड फॉर सेल डेट आर एसेंशियल इन टेंजिबल एंड डू नॉट रिजल्ट इन द ऑनरशिप ऑफ एनी थिंग। एग्जाम्पल इनको बैंकिंग है, एयरलाइन है, होटल है, रिटेलिंग है, होम रिपेयर सर्विस है। देखो फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर गुजरता है कि जगह से, उसे पता लगता है कि यहाँ पर तो हॉस्पिटल ही कोई नहीं है, तो उसके जहन में एकदम आएगा कि देर इज़ अ पोटेंशियल नीड इन द मार्केट, वहाँ पे क्लिनिक बना लेगा और अपनी सर्विसेज देना शुरू कर देगा। एक बारबर कहीं से गुजरता है, उसे पता लगता है यहाँ पे कोई कटिंग करने वाला बंदा ही नहीं है, उसको पोटेंशियल नहीं नज़र आएगी, वो अपनी दुकान में ना के वहाँ पे सर्विसेज देना शुरू कर देगा। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रोडक्ट, सर्विसेज भी इसके अंदर आ जाती हैं। मोर ब्रॉडली मार्केटिंग ऑफरिंग ऑल्सो इंक्लूड अदर एंटिटीज सच एज पर्सन प्लेस ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। फॉर एग्जाम्पल सैन डिएगो रनज अ हैप्पीनेस इज कॉलिंग एडवर्टाइजिंग कंपेन डेट इन्वाइट्स विजिटर्स टू कम एंड एन्जॉय द सिटीज ग्रेट वेदर एंड गुड टाइम्स, एवरी थिंग फ्रॉम इट्स बेज एंड बीचिज टू इट्स डाउन टाउन नाइट लाइफ एंड अर्बन सीन्स। एंड द एड काउंसिल एंड नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएटेड अ स्टॉप द टेक्स्ट स्टॉप द रैक्स कंपेन डेट मार्केट्स आइडिया ऑफ एलिमिनेटिंग टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग। अब ये देखो इन्होंने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट ने दिया अपने एरिए को हाईलाइट करने के लिए, मार्केट किया यानी बताया मार्केट ऑफर की। इन्होंने क्या किया, लोगों की सेफ्टी के लिए ये कंपेन लॉन्च की। यानी मार्केटिंग ऑफरिंग है कि व्हाट यू हैव टू ऑफर, आपके पास है या कस्टमर को ऑफर करने के लिए। और ये ऑफर में प्रोडक्ट भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, एक्सपीरियंस भी हो सकता है, एनीथिंग। क्लियर है? फिर एक बार बार चीज़ आती है मार्केटिंग मायोपिया, द मिस्टेक ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट अ कंपनी ऑफर्स देन टू द बेनिफिट एक्सपीरियंस प्रोड्यूस बाय दीज प्रोडक्ट। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, मार्केटिंग मायोपिया की मिस्टेक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट
को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि जी ये प्रोडक्ट है जो कंपनी ऑफर कर रही है, लेकिन हम ये नहीं बताते कि इस प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या हैं और इसके एक्सपीरियंस से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। अब देखो, मैंने कहा जी मैं ये ब्लड सुबह मोबाइल सेल कर रहा हूँ, मैंने लगा दिया जी मोबाइल सेल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आगे कोई डिटेल नहीं बता रहा कि इस मोबाइल की ये प्रोसेसर है, ये मॉडल है, ये रैम है इसकी, ये कैमरे का रिजल्ट है। अब देखो, ओप्पो वाले हैं या हुआवे हैं, कम डिफरेंट मोबाइल एडवर्टीजमेंट कंपनी चलाती हैं। अब वो क्या करती हैं, अब खुद गौर करो कि कोई ना कोई मोबाइल का फीचर बता रही होती हैं, बेनिफिट्स उसके बता रही होती हैं। अब फिर ऑनलाइन में देखो, अक्सर लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस, अक्सर वेबसाइट देखो ऐड आती है कि जी मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत खूबसूरत है, मुझे बड़ा पसंद आया। अक्सर औरतें बैठी फेसबुक पे कपड़े सेल कर रही होती हैं, तो वो जब कोई फीडबैक अच्छा देता है जी आपके प्रोडक्ट हमें बहुत पसंद आई है, तो शेयर करती हैं, देखो कस्टमर ने हमारी तारीफ़ की है कि हम अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। मकसद क्या होता है, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो कई दफ़ा हम लोग मार्केटिंग मायोपिया से भी गुजरते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली वो करते ही नहीं है, क्या कहते हैं उसे, प्रोडक्ट को हाईलाइट करते हैं लेकिन उसके सर्विसेज और बेनिफिट के बारे में नहीं बताते हैं। अब देखो, स्मॉल मार्केटर्स लुक बियॉन्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस दे सेल बाय और जस्टरिंग सेवरल सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, दे क्रिएट ब्रांड एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर। अब देखो, कुछ लोग क्या है, वो ब्रांडिंग की तरफ चल पड़ते हैं, वो प्रोडक्ट की सर्विसेज और बेनिफिट बताने से आगे निकल जाते हैं। वो क्या करते हैं, एक कह लो कि कस्टमर को क्या एक ब्रांड बना दिया अपने प्रोडक्ट को कि जो इस तो यही चीज़ है, इसके नाम के अलावा तो आप कोई चीज़ आपको फ़ायदा ही नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट जस्ट विजिट वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिजॉर्ट, यू इमर्स योरसेल्फ एंड योर फैमिली इन द वर्ल्ड ऑफ वंडर, अ वर्ल्ड वेयर ड्रीम्स कैम ट्रू एंड थिंग्स स्टिल वर्क द वे दे शुड, एंड योर लोकल बफेलो वाइल्ड विंग्स रेस्टोरेंट डज नॉट जस्ट सर्व अप विंग्स एंड बियर, इट गिव्स कस्टमर द अल्टीमेट विंग्स बियर स्पोर्ट्स फैन एक्सपीरियंस। रियल मार्केटिंग 1.1 की बाकी डिटेल है इसमें। आप लोग जाते हो KFC, अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता दूं, वहाँ पे जिंगर बर्गर मिलता है, अरसा ही हो गया खाए हुए, मुझे याद नहीं है कीमत उसकी कितनी है, लेट सपोज मेरा ख्याल है 600 के राउंड होगा मील उसका, लेट सपोज 600 का मील है। अब यही जिंगर बर्गर सेम साइज़ का, सेम क्वालिटी का, आपको एक जगह से 200 का मिल रहा है, अब आप क्या करोगे। अब देखो पॉइंट क्या है यहाँ पे समझने वाला, अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, आप प्राइस को मैटर नहीं करते, यानी प्राइस आप 600 पे कर सकते हो, आप 200 पे कर सकते हो, एक लोकल बंदा सेल कर रहा है आम छोटे से शॉप पे और एक KFC ब्रांड सेल कर रहा है, 99% जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो किधर जाएंगे, KFC पे जाएंगे। क्यों जाएंगे, वो खाली बर्गर का मज़ा नहीं लेना है, उन्होंने वहाँ की इन्वायरमेंट का भी मज़ा लेना है, अगर उनके साथ बच्चे हैं तो बच्चों ने प्ले एरिया का भी मज़ा लेना है। क्यों, वो उन्होंने क्या किया है कि अपने, वो KFC खाली ये नहीं कहता कि हमारी चीज़ें हैं, वो कहते हैं हमारे पास सिटिंग एरिया, हमारा जो एटमोसफेयर है, हमारे जो आउट क्लास कस्टमर सर्विस है, हमारा जो हाइजीनिक फैक्टर है, जो हमारी क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जो वो तमाम की तमाम क्या है, दैट विल क्रिएट अ ब्रांड इमेज। उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए जो है ना, कई लोग क्या करते हैं, बेनिफिट्स वगैरह से भी आगे निकल जाते हैं। अगली चीज़ आती है कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। अब देखो, हमने वैल्यू क्रिएट करनी है, हो सकता है वो हमारी नज़र में वैल्यू हो लेकिन कस्टमर के नज़र में वैल्यू ही ना हो। अब वैल्यू क्रिएट करने का मकसद क्या है,
उसकी अगली शर्त क्या है, देर शुड बी सेटिस्फेक्शन। अब देखो मार्केट मार्केटर्स मस्ट बी केयरफुल टू सेट द राइट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। हमारे अमूमन क्या होता है, अच्छा हम लोग बेसिकली करते क्या हैं, हम लोग करते ही हैं जनाब, हमने एक हाइप क्रिएट कर दी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ मोनार्क की, इधर जेलम में रेस्टोरेंट शायद आपने देखा हो, उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग की, फुल फ्लेज ओपनिंग करवाई। अब जब उसने एक हाइप क्रिएट कर दी, पिक्चर्स लगाए जी, इंटीरियर बड़ा अच्छा है जी, क्वालिटी खाना ये वो, अब एक नेचुरल है जब भी कोई नई चीज़ आती है ना तो कस्टमर एकदम अट्रैक्ट होता जाता है, कस्टमर गए। अब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मैं एक दोस्त से एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। उससे मैंने पूछा मुनार कैसा है, उसने कहा यार पथेटिक है, क्यों कहा, कहता है उसका खाना अच्छा है लेकिन कस्टमर सर्विस नहीं है। कहता मैं तो कभी ना जाऊँ, कहता ऑर्डर किया है, चीज़ें किस्तों में आ रही हैं, चीज़ें पहले आनी चाहिए बाद में आ रही है। अब देखो उन्होंने वैल्यू क्रिएट की पर उस वैल्यू को डिलीवर नहीं कर पाए, जिससे क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन का लेवल ही ख़त्म हो गया। अब देखो डिससेटिस्फाइड कस्टमर ऑफन स्विच टू कंपेटिटर्स एंड डिस पैरवाइज द प्रोडक्ट टू अदर्स। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको कोट किया मुनार की, इसी तरह आपको किसी जगह पे कोई नहीं आती, आप भी अगले को बताते यार फलानी जगह की नहीं अच्छी सर्विस, वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो ऑटोमेटिकली अगले अगर किसी को कहते यार फलाना जगह बहुत अच्छा आप जाओ वहाँ पे, तो आप लाजमी जाओगे। अब देखो उनका खाना अच्छा है, उसने कहा लेकिन सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं थी उनकी, और उन्होंने क्या किया, हाइप क्रिएट कर दी पर उसे संभाली नहीं गई, उनके पास टीम नहीं थी ऐसी जो उसको कैटर ऑन कर सके। देखो इफ़ दे सेट एक्सपेक्टेशन टू लो दे मे सेटिस्फाई दोज हु बाय बट फेल टू अट्रैक्ट एनफ बायर। अब देखो एक जगह की आप एक्सपेक्टेशन सेटिंग ही नहीं करते, लोगों के अंदर एक्सपेक्टेशन क्रिएट ही नहीं करते, उससे क्या होता है, लोग आते हैं सेटिस्फाई हो जाएंगे लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर्स कम आएंगे। तो देखो दो चीज़ों में आपने बड़ा बैलेंस रखना है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं क्रिएट करनी, कम भी नहीं करनी, एक लेवल पे रखनी है ताकि वैल्यू क्रिएट होने के बाद सेटिस्फेक्शन का लेवल भी आ जाए। अब देखो कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड वैल्यू आर की बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर डेवलपिंग एंड मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप। अब ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकते। अब देखो ये एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, बेसिकली एक बफेलो वाइल्ड विंग्स हैं, फ्यूलिंग द सपोर्ट फैन एक्सपीरियंस। अब ये हाली विंग्स सेल करते हैं, अब ये हाली विंग्स नहीं सेल कर रहे, एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं लोगों को, साथ बियर दे रहे हैं, साथ स्पोर्ट्स की स्क्रीन्स लगाई हुई हैं ताकि लोग इंजॉय करें बैठें। अक्सर आप लोग देखो, अभी तो खैर इतना कल्चर नहीं रहा, पहले ये होता था अक्सर होटल वालों ना रात के टाइम ना इंडियन मूवी लगा लेते थे बाहर रख के ना खुला कुर्सियाँ टेबल लगा के। अब होता क्या था, लोग बाहर निकले हैं, मज़दूर तबके ड्राइवर हजरात है वो रुके हैं ना कहीं पे, तो वो मूवी देखने लग गए हैं। अगर उन्हें 10 मिनट बैठना, हो सकता है आधा घंटा 45 मिनट बैठ जाए, और जब बैठते हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने चाय भी ऑर्डर करनी है, कोई खाने का भी ऑर्डर कर देंगे, कुछ भी ना ऑर्डर करें फिर भी क्या फ़ायदा होगा, आने जाने वाला बंदा देखे ना यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, वो क्या समझेगा कि इस होटल की सर्विस अच्छी है, खाना अच्छा है, इसलिए ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, एक कस्टमर अट्रैक्शन होती है। तो इस तरह हम वैल्यू क्रिएशन करते हैं। अगली चीज़ है एक्सचेंज रिलेशनशिप। देखो द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। हमारा मार्केटिंग में रिलेशनशिप क्या, एक्सचेंज रिलेशनशिप है, एक चीज़ आपको डिलीवर करनी है, दूसरी चीज़ आपसे ले लेनी है। देखो अब क्या, इन द ब्रॉड सेंस द मार्केटर ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ रिस्पॉन्स टू सम मार्केट ऑफरिंग,
The response may be more than simply buying or trading product and services. A political candidate, for instance, wants votes, a church wants membership and participation, an orchestra wants an audience, and a social action group wants idea acceptation. अब सब में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। देखो, मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ एक्शन टेकन टू क्रिएट मेंटेन ग्रो डिजायरेबल एक्सचेंज रिलेशनशिप विद टारगेट ऑप्शन इन्वॉल्विंग प्रोडक्ट सर्विस आइडिया और अदर ऑब्जेक्ट्स। कंपनीज वांट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बाय कंसिस्टिंग डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। क्लियर हुई है बात? देखो, चीज़ क्या है कि आपने यू शुड हैव टू एक्सचेंज समथिंग, you should have to create an experience. आगे क्या है, मार्केट की बात हो रही है कि the set of all actual and potential buyers for a product or service. देखो, जब आप एक्सचेंज की बात करते हो, जब आप बात कर रहे हो रिलेशनशिप की, तो कहाँ पे बिल्ड होगा? मार्केट्स में ही होगा। आपने प्रोडक्ट बनाई, सर्विस दे रहे हो, आप घर बैठ गए हो, अब घर तो कोई बंदा नहीं आएगा। आपका फोकस किस पे होना चाहिए? मार्केट पे होना चाहिए। मार्केट को टारगेट करो, मार्केट में जाके चीज़ देनी है। तो मार्केट इज अ सेट ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। एक्चुअल क्या है, जो खरीद रहा है, पोटेंशियल क्या है, जो फ्यूचर में खरीदेगा। अब देखो, मार्केटिंग मीन्स मैनेजिंग मार्केट टू ब्रिंग अबाउट प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। कि आपने अपने मार्केट को ऐसे मैनेज करना है ताकि आप प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड कर सको। क्लियर हुई है बात? देखो, ऑल्दो वी नॉर्मल थिंक ऑफ मार्केटिंग एज बीइंग कैरीड आउट बाय सेलर, बायर आल्सो कैरी आउट मार्केटिंग। अब बायर कैसे करता है? आप कोई चीज़ लेते हो ना, आपने वो चीज़ पसंद आई है, अब लोगों को दिखाओगे, वर्ड ऑफ माउथ बहुत मैटर करता है। आप लेट्स सपोज आप अपने पेरेंट्स से बड़े इंस्पायर हो, आपके दोस्तों से बड़े इंस्पायर हो, आप उन पर ट्रस्ट करते हो, तो वो आपको एक दफ़ा कह देंगे ना, फलानी चीज़ बहुत अच्छी है, ट्राई करना, आप लाजमी करोगे। तो मार्केटिंग खाली ये नहीं है कि आपके सेलर करते हैं, बाहर भी मार्केटिंग करता है, पर कब करता है? जब उसको एक वैल्यू मिली है और वो उससे सेटिस्फाइड है। और वो मार्केटिंग आपकी क्या होती है? फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कंपनी का कोई पैसा नहीं लगता उस पर। क्लियर हुई है बात? अब देखो, मॉडर्न मार्केटिंग मिक्स सिस्टम क्या है? सप्लायर है, सप्लायर ने कंपनी को माल देना है, कंपेटिटर को माल देना है, मार्केट इंटरमीडियरीज हैं और फाइनल कंज्यूमर है। अब देखो, एक ही जगह से सामान, देखो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो ब्लड स्पोर्ट चिकन का सप्लायर है दीना सिटी में, वो आपको कह लो कि अलबला रेस्टोरेंट को भी माल दे रहा है, अलकोसर वालों को भी माल दे रहा है, डिफरेंट होटल्स वगैरह बने हैं उनको भी दे रहा है, यानी वो कंपनी को भी सामान दे रहा है और कंपेटिटर्स को भी दे रहा है। और सामान दे दे के बाद बाकी सारा प्रोसेस क्या है? उस कंपनी की मार्केटिंग है, उस कंपनी की अपने सारी स्ट्रेटजीज हैं, यानी वो जो भी सामान प्रोडक्ट बनेगी उस रॉ मटेरियल से, वो मार्केट इंटरमीडिएट्स में आ जाएगा, रेस्टोरेंट पे आएगा, कभी वो चिकन कढ़ाई की फॉर्म में आ जाएगा, कभी टिक्का बोटी की फॉर्म में आ जाएगा, डिफरेंट तरीक़ों से आएगा। अब डिपेंड करता है कंपनी उस चीज़ को फाइनल कंज्यूमर तक किस फॉर्म में पहुंचाती है, फिर इन रिटर्न क्या होता है, फाइनल कंज्यूमर उसको पैसे देता है जो कंपनी के पास आते हैं। अब देखो, मेन एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग सिस्टम हमारे पास है, मार्केटिंग इन्वॉल्व सर्विंग अ मार्केट ऑफ फाइनल कंज्यूमर इन द फेस ऑफ कंपेटिटर। द कंपनी एंड कंपेटिटर रिसर्च द मार्केट एंड इंटरेक्ट विद कस्टमर टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स, देन दे क्रिएट एंड एक्सचेंज मार्केटिंग ऑफरिंग मैसेजेस एंड अदर मार्केटिंग कंटेंट विद कंज्यूमर आदर डायरेक्टली और थ्रू मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। ईच पार्टी इन द सिस्टम इज अफेक्टेड बाय मेजर फोर्सेस, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल। ये फोर्सेस हम पढ़ेंगे आगे जाके डिटेल में कि ये फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, कि कौन कौन सी हैं, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक हैं। देखो क्या है कि अब
सामान है, इन्होंने कस्टमर को कैसे अंडरस्टैंड किया उसकी नीड को, उसको मार्केट ऑफरिंग क्या कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही, सेटिस्फेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, जो ये सारी चीज़ों को से फुलफिल कर लेता है तो वो फाइनल कंज्यूमर को टारगेट कर लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हमारा मार्केटिंग प्रोसेस का पहला टारगेट कंप्लीट हो गया। तो इसको लेक्चर को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। कोई भी इश्यू तो आप मुझसे फर्दर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।